हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आप लोग भी थक गए होंगे मेरा और कमल का चेहरा देख देख के। आप भी कहते होंगे अबे कुछ नया लेके आओ ना, अभी नया लेके आ रहे हैं ना यार, आज अलग अलग चेहरे लेके आएंगे अपने व्लॉग में। खैर, आज मेरा जो पहला मसला था वो था कपड़ों का, वो हो चुका है सॉल्व, क्योंकि आज मेरे डिजाइनर ने भी मुझे धोखा नहीं दिया और उसने भी टाइम से पहुंचा दिए, तो इसलिए मेरी सुबह की शुरुआत बहुत ही अच्छे मूड से होने जा रही है। आइए, एक और ढीला थका खोता उठ के आ गया सुबह सुबह ही। हाँ जी, आ गए हो जी। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, वैसे कुछ भी मांग लो। सोच ले। सोच लिया। मेरे पास सीरीज 7 की वॉच नहीं है, एप्पल की, वो ले दे। वो ले दूं? कितनी छोटी छोटी डिमांड है अपनी। कहां से पढ़कर मांगता है? नहीं लेके ले। आगे से कहता मेरा मूड अच्छा है, मांग लिया, हमेशा ही ऐसे ही करते। हाँ जी, आ गए हो? हाँ जी, आ गए हैं। चाय पीनी है? चाय पियेंगे। चलो आप गाड़ी धोए, मैं चाय लेके। ये ले बॉस। हाँ जी, क्या है? क्या है? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलूं? ओके मेम साहब, बैठे मेम साहब। बलू है? पीपू मैं बोर हो रही हूँ, कोई म्यूजिक लगा दो प्लीज। म्यूजिक सुनना है तुमने? हाँ। चलो आज मैं तुम्हें खुद ही गाना सुनाता हूँ जी। पीछे पड़ी है आशिकी तेरे कदमों में, तुम पिचका पिचका, तुम पिचका पिचका। नूर है बस नूर है इन नजरों में, तुम पिचका पिचका, तुम पिचका पिचका। मुझे हमेशा विदाउट मेकअप दिखाते रहते हो, लोगों ने कंसीलर लगाया होता है, लिपस्टिक लगाई होती है और इसको वो विदाउट मेकअप कहते हैं। अच्छा, मेरा बेड़ा गरक कर दिया ऐसे दिखा। अरे तुम विदाउट मेकअप भी प्यारे लगते हो, हर हाल में प्यारे लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो, मुझे प्यारे लगते हो बस। ये मियां और बीवी की सेम हाइट होने के बहुत से मसले होते हैं, और मसले ये होते हैं कि आपकी बीवी कभी भी हील वाली चप्पल नहीं पहन सकती, क्योंकि कमल भी नहीं पहन सकती। कमल अगर हील वाली चप्पल पहनती है तो मेरे से ऊपर चले जाती है, तो फिर बेचारी को खुद ही बुरा लगता है। मैं तो कहता हूँ पहन लो, कोई मसला नहीं। कहती है नहीं 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 नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। अल्लाह का लाख 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 शुक्र है कि मेरी वाइफ माशाल्लाह 4 घंटे बाद रेडी हो गई है फाइनली। अच्छा, सब लोग गाने का इंतजार कर रहे हैं और मैं और कमल फूड का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने गाने का भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भूख बहुत लगी हुई है। हम चाह रहे हैं कि कुछ खा लें ताकि एनर्जी ज्यादा आ जाए और हम अच्छे से सेलिब्रेट कर सके और उन्हें वो कर सके, क्या कहते हैं? नहीं तो अगर भूखे रहे ना तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं नहीं, लेकिन भूख लग रही है यार, गाने का भी इंतजार है बहुत ज्यादा। हीरो हीरोइन तो यहाँ ही लोगों से मिलते फिर रहे हैं, उनसे मुलाकात आपको बाद भी करवा दूँगा। हाँ। आपको वो अंडरटेकर का पता है? ये पाकिस्तानी अंडरटेकर है जो कि टिकटॉक पे बहुत अच्छी वीडियोस बना रहा है। और ये सुल्तान कह रहा है कि मनीत को भी सब्सक्राइब कर। मैं अंडर नहीं, ये सुल्तान बहुत फास्ट हो गया इस समय, इसके व्लॉग स्टार्ट में देख रहा हूँ। आप ये ना बहुत ज्यादा स्पीड में बोलता भी, बहुत ज्यादा स्पीड में बातें, पता नहीं कहाँ से।
अच्छा जी, गाना हम लोगों ने सुन लिया और बहुत आला है, बहुत अच्छी एक्टिंग भी है दोनों की माशाल्लाह। और बाकी आप लोग भी गाने को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मज़ीद सिफारिश मैं कमल से करवा लेता हूँ। कमल एक मिनट पीछे ले लो। देखें, इसने आपको पीछे छोड़ दिया, अपनी जो फिजिकल फ़ैन है ना उसको आगे रख लिया, ये बात गलत है। पास अब एक सवाल का जवाब दो, फिजिकल फ़ैन ज़्यादा ज़रूरी है या फिर यहाँ जो देख रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए मेरे ख्याल से तो दोनों ज़रूरी है, ठीक है। फिजिकल इसलिए ज़रूरी है कि वो चुपेड़े भी मार देते हैं, ये वाले मार नहीं सकते। यहाँ वाले वेट नहीं कर सकते। आप बड़े रूड है, आपने बड़ा एटीट्यूड है और चुपेड़े भी मार के भाग जाते हैं, तो इसलिए। अच्छा, गाना कैसा लगा? सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो रोने लगी थी, फिर मैंने कहा कि यार मेरा मेकअप खराब हो जाएगा तो रोना। फिर इसने कहा नहीं नहीं, दिल मोड़ दे, मतलब अंदर ही रहने दो दिल को। भाभी आपको कैसा लगा? सॉन्ग बहुत अच्छा, और बाकी रोना आया लास्ट में, होता ना कोई ऐसी एक्टिंग। नहीं नहीं भाभी, मैं एक बात बताऊं आपको, रोना क्यों आया? क्योंकि मैं जब से आया हूँ ना, तब से मुनीफ भाई यहाँ नहीं बैठे यार, ये गलत बात है मुनीफ भाई, इफ यू आर वॉचिंग अस तो ये गलत है। ठीक है, ऐसी है भाभी, ये ऐसे होता है। अभी आप लोगों की शादी को कितना, एक महीना हुआ होगा है ना, हो गए हैं, तो 4 साल बाद मैं पूछूंगी आप लोगों से, यही होगा ये, अभी इतना फासला ना, फिर वो इतना हो जाएगा, मैं तुम्हें हलाक कर दूंगी, ऐसा होगा। मैं जी हलाकत की तैयारी करता हूँ। ओ भाई, मैं तो आपको उधर मिल के आया यार, मेरे से नहीं मिल के आया, वो शान था। आप मोमर रहना है नहीं। ये मोमर रहना, ओ शान और मोमर रहना, मैं अली हूं, ओ शफकत जिम्मा। शफकत जिम्मा क्या हो गया, लड़ाई हो गई है? अली परेशान है, क्या हुआ यार? मैंने आपको शान और मोमराना से मिलाऊंगा। यार आप बताओ कि शान कौन है और डाल्डा कौन है? मुझे यार भाई, मैं अली हूँ, ये गाइस हम टू इंडिया। ओके यार, तो मैं समझ रहा था ये एक शान है एक मोमराना है, मैं पूछने लगा था कि आपकी साइमा कहाँ है? साइमा का भी हमें डालो, इधर बहुत से साइमा निकल आते हैं। भाई नहीं है, लड़की है ये। लड़की है? अबे ये बालों वाली लड़की। नो 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 नो, इन्होंने वैक्स नहीं करवाई हुई है। ये मौलवी साहब है। मैं किस तरह पहचान लिया? मुझे जब मैं थोड़े थोड़े पीछे गर्दन पे ना ये बाल। इंट्रोडक्शन तो हो ही गया, लेकिन जो मेन एक्टर हैं गाने के उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं, उनके भी कुछ रिव्यू ले लेते हैं। और वो फाइनली बहुत ही बहुत 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 वेट करने के बाद हमें मिले। अच्छा, साइड का पूछ रहे थे वैसे, मुझे भी ये है, मैं हमेशा इस तरफ करता हूँ, मेरी ये साइड अच्छी है। आपको मसला नहीं है? आप कह रहे थे मेन एक्टर सर, ओनली एक्टर, ओनली एक्टर एंड एक्ट्रेस नहीं, नहीं,
बाय द वे आप लोग, आप दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग किया, आपका गाना भी बहुत अच्छा है, आप लोगों ने भी मजीद सपोर्ट करनी है गाने को बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर और फर्स्ट ऑन ट्रेंडिंग बनाने के लिए, फर्स्ट ऑन ट्रेंडिंग, भाईजान अल्लाह आपका भला करे। नहीं नहीं और प्रमोशन के पैसे में बात नहीं लेते। हाँ जी रेडी चले, रेडी चले, चलो जी रेडी स्टडी को। तो अभी आ चुके हैं आप लोग घर पे, तो ये थे हमारे कुछ फेमस दोस्त जिनसे आपकी आज मुलाकात करवाई है। आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा उनसे मिलके भी, जैसे हमारे साथ डेली मिलके अच्छा लगता है। लेकिन यू नो व्हाट, इस वक्त मेरे सर में शिद्दत का दर्द हो रहा है इस टोपी की वजह से। इस टोपी ने ना मेरे सर के इतने हिस्से में ना इतना ज़्यादा दर्द कर दिया है ना कि मैं बता नहीं सकता। खैर ओके, अभी की मसरूफियत यह है कि अभी हम लोग जा रहे हैं, कंवल ने आज हमें बाहर से खाना खिलाना है, कंवल ने खिलाना है, लेकिन कहा मैंने था कि मैं खाना खिलाऊंगा, लेकिन कंवल ने कहा नहीं मैं खिलाती हूँ आज। मैंने कहा चलो ठीक है तुम खिला दो भाई, कोई मसला नहीं। तो आज ये खाना खिला कहता है लेकिन खिलाता नहीं, नहीं मैंने कहा था लेकिन इसने कहा कि मैं खिलाऊंगी, मैंने कहा चलो ठीक है। लेडीज फर्स्ट। ये जी हम लोग तो जा रहे हैं खाना खाने के लिए बाहर, लेकिन ये एक खिचड़ी यहाँ पड़ी है जो कि एक बंदे ने बहुत थोड़ी सी खाई है, वो बंदा है शेख, क्योंकि शेख हो गया बीमार। गेट वेल सून ब्रो, गेट वेल सून, गेट वेल सून। चलो हम लोग आते हैं खाना खाने।